खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। आपको बता दें कि चल रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर और उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के सौजन्य से ब्लॉक बीकापुर की ग्राम पंचायत पुहूपी से सरकार के पहल पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण अभियान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज के प्रबंधक महेश सिंह ने फूल मालाओं से किया है। पर्यावरण एवं जल संरक्षण के कई दिवसीय कार्यक्रम 22 अक्टूबर के जनपद के कई ब्लॉकों में चल रहा है और यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह और जिला कमांडेंट ऑफिसर ने आम पौधे का एवं वृक्षारोपण भी किया। अपने विचारों को रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सूख रहे तालाबों का शुद्धिकरण करा कर उसमें जल संरक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि तालाबों पर जिस तरीके से लोग ने अतिक्रमण कर लिया था उसको हटवाकर नए सिस्टम के दायरे में लाया जा रहा है, जिसमें भविष्य में पानी का संकट ना हो, इसलिए सरकार ब्लॉक के चिन्हित ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर कर रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रधान समेत उत्तर प्रदेश होमगार्ड के सम्मानित प्राधिकारियों सहित वरिष्ठ वक्ताओं पर्यावरण जल संरक्षण अभियान पर अपने अपने विचार रखे और ग्राम पंचायत के कुछ प्रधानों का माला पहनाकर और बूके देकर सम्मानित भी किया गया। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए अयोध्या जनपद के जिला कमांडेंट ऑफिसर ने बताया, अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के सौजन्य से पर्यावरण एवं जल संरक्षण अभियान का कई दिवसीय कार्यक्रम जनपद अयोध्या में ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जा रहे हैं। जिला कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे स्टाफ के कर्मचारी एक बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचय का कार्यक्रम चलाकर क्षेत्र की जनता को पानी की कीमत क्या होती है इसका संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि इसका मेन उद्देश्य बरसात में पानी का भंडारण करके उसे सुरक्षित रखना है, इससे भविष्य में पानी का संकट पैदा न हो सके। 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत होमगार्ड विभाग के द्वारा जो है बृहद स्तर पर जल संरक्षण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रत्येक ब्लॉक पर जो है जो अमृत सरोवर है वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं और लगभग हमारे हर ब्लॉक में कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी के तहत आज हम सीकापुर में जो है अमृत सरोवर के किनारे जिलाध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में कार्यक्रम चलाया गया है और जल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण करना हम सभी लोगों का दायित्व है। इसी कार्यक्रम और पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए पूरा विभाग इसमें पूरी अपनी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। ये बैनर हरियाला